इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कभी ना कभी आपने अपने माँ बाप से एक बात जरूर कही होगी कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। ये कहने से पहले एक बार अपनी मेहनत से एक रोटी कमा के अगर आप देख ले दे तो शायद आपको पता चल जाता है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया हुआ है। दोस्तों इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हारा फर्ज क्या था। एक आदमी था जो दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार का पेट पालने के, और उसका बेटा बहुत ही कामचोर था, नालायक था। तो वो इस बात से परेशान था कि इसको मैं किस तरह से सुधारूं। तो एक बार उसने अपने बेटे को बुलाया और उसने उसको बोला कि जब तक जाओ और शाम तक कुछ ना कुछ पैसे कमा के लाओ, नहीं कमा के लाओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। वो बेटा क्योंकि वो नालायक का और कामचोर था तो वो अपनी माँ के पास चला गया और माँ से उसने पैसे ला के अपने पिताजी को दे दिया। तो पिताजी ने वो पैसे उसको बोले कि जाओ उसको कुएं में फेंक दो। अगले दिन उसको पता था क्योंकि वो माँ से लेके आया था पिताजी को, तो अगले दिन उन्होंने माँ को कहीं बाहर भेज दिया। फिर वो अगले दिन जब बेटा अगले दिन की बात आई तो अगले दिन वो अपनी बहन के पास चला गया। तो ऐसे ही वो बहन के पास पैसे ला के दे दिए और पिताजी ने कहा कि जाओ उसको कुएं में फेंक दो। तीसरे दिन वो क्या करता, कहाँ से पैसा लाता, तो वो कहीं बाहर घूमने चला गया। अब उसने देखा कि ट्रक से माल लोड हो रहा था, तो क्यों ना उसने जाकर वहाँ पे, वो सोचा कि वहाँ जाके मदद करता हूँ, कुछ पैसे कमा लूंगा। और जब उसने पैसे कमा के लाया और चुपचाप वो अपने पिताजी के हाथ में रख दिए, तो पिताजी को लगा क्योंकि वो इस बार, क्योंकि हर समय बोलता है लो पिताजी मैं पैसे कमा के ले आऊँ, लो पिताजी मैं पैसे कमा के ले आऊँ, पर इस बार उसने कुछ नहीं बोला। पिताजी ने बोला कि जाओ उसको भी कुएं फेंक दो, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया। उसने बिल्कुल एकदम से वो गुस्सा गया कि नहीं पिताजी इसको बिल्कुल मत फेंको, ये मेरी मेहनत की कमाई है, आप इसको फेंकोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो यही सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि जब तुम मेरी कमाई को उड़ाते थे तो मुझे भी यही महसूस होता था। दोस्तों मैं इस स्टोरी से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से ये बात बोली है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, बट आपने कभी उनका वो फर्ज नहीं देखा जो उन्होंने किस तरीके से आपके लिए पूरे किए हैं। भले ही वो चाहे आपकी पढ़ाई हो, भले ही वो चाहे आपको बड़ा करना हो, आपके लिए कपड़े लेने हो, या आपकी छोटी मोटी चीज़ों को पूरा करना हो। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप ने आपके लिए तो कितने फर्ज पूरे किए, और आपने ये बात भी मानी कि उन्होंने आपके लिए जो फर्ज पूरे किए हैं, आपने उनके बदले उनको कितने फर्ज उनको पूरे किए। कभी भी एक बार अपने माँ बाप से जरूर पूछ लेना कि उनके भी अगर टाइम मिले तो एक बार अपने माँ बाप से जरूर पूछ लेना कि तुमने अपने माँ बाप के लिए कितने फर्ज पूरे किए। थैंक यू।